उसके लिए, मेरे लिए। अरे अरे मैं जा रहा हूँ नीचे। सो गाइस, मैं हूँ इस वक्त मनाली में, और मनाली के जो रोहतांग वैली है वहाँ पे हूँ, और यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी अच्छा है। पूरा बर्फ़ का चादर है और बहुत ही मज़ा आ रहा है, देख सकते हो। पूरा के पूरा जो पहाड़ है वो बर्फ से ढक गया है। इधर भी है, पूरा ही पूरा पहाड़ है, और अभी हम लोग काफ़ी ऊपर में हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ऑक्सीजन की भी कमी है, तो सांस लेने में दिक्कत आ रही है। बट हम लोग जो भी है एक्टिविटी करके निकल जाएंगे। हमने स्केचिंग कर लिया है, और अभी एक ट्यूब वाला है जो वो करना बाकी है। फिलहाल हम लोग ऊपर में हैं और मज़े कर रहे हैं, और हमारे साथ है नाजनी। नाजनी भी यहाँ पे बिजी है फ़ोटो क्लिक करवाने में, आपको मिलवाता हूँ उनसे। हाँ जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पूरा बर्फ है। और ये रोहतांग वैली है, 13,000 जो हाइट है इसकी, 13,000 फीट इसकी हाइट है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, देख सकते हो। पूरा के पूरा पहाड़ है, और बादल जो है ना वो पहाड़ को टच कर रहा है बिल्कुल। इस साइड में देखोगे तो बादल है, पहाड़ को टच कर रहा है, और इधर भी पूरा आइस है, इधर भी आइस है, और ये इधर देखो पूरा ही आइस आइस है। जोर से उठाओ, देखो फेस पे आया, फेस पे भी लगा लो, ठंडा हो जाएगा। जितने सारे प्रॉब्लम है फेस की सब ठीक हो जाएगी। अभी इधर जाना है, यहाँ पे ट्यूब स्लाइड होता है, सो अभी लाइन लगा हुआ है, हम लोगों ने भी जाके लाइन लगाना है, और यहाँ से ट्यूब स्लाइड होगी, तो ये एक्टिविटी बचा हुआ है। क्या हुआ, गिर रही हो? अरे गिरना नहीं। और हमारी जो गाड़ी है उधर उस साइड लगी हुई है, और ये पूरा पहाड़ है, और हम लोग इधर से आए, इस साइड से आए हैं नीचे से, और इधर ही जाना है, देख सकते हो। बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा है, और ये जून का महीना है, जून के महीने में इतने सारे बर्फ है, सोचो दिसंबर जनवरी में क्या हालत होगा। वो क्या हुआ, थक गई क्या? थक गई? हाँ चल के दिखाओ, चल के। वाओ, गंदी आइस। गंदी है? ओ मेरे मुंह में आ रहा है, क्या कर रही हो? चलना है ट्यूब स्लाइड करने, हो गया। अरे अरे, और कुछ करना है, और कुछ करना है? ओ इतना गिरोगे तो कैसे होगा, क्या कहना है मनाली के बारे में? मेरे को क्यों मार रही है, चोट लगता है बर्फ से? कैसा लग रहा है रोहतांग वैली में आके, मनाली में आके? मजा आ रहा है? कैसा रहा हमारा हनीमून ट्रिप? बहुत अच्छा। अच्छा रहा? कुछ कहना चाहती हो? मजा आ गया, मजा आ गया। ओह, सांस फूल रही है क्या? हल्की सी। ऑक्सीजन की कमी है ना इधर, देखो। हम लोग नीचे से आए, नीचे से चल के ऊपर आए हैं, क्योंकि ऊपर आने का कुछ वो नहीं है, आप खुद ही चल के आओ। और देखो स्लाइड हो रहे हैं, स्लाइड हो गया। ऐसे तो मैं कई बार हो गया स्लाइड ऊपर चढ़ के, कितनी बार नीचे जा चुका हूँ, वापस से चढ़ के आया। जब आप चढ़ोगे ना तो उसके बाद फिर जो आपकी सांस लेने में दिक्कत आएगी। इधर भी देखो, इधर भी। अरे अरे मैं जा रहा हूँ नीचे। ओ बच गया मैं, बच गया मैं। अरे अभी ऊपर जाना है फिर से। सो गाइस, मैं स्लाइड होके नीचे आ गया एकदम से, कैमरे हाथ में पकड़ा था, और
एक हाथ से रोक नहीं पाया तो सीधे नीचे आ गया। देखो यहाँ पे आ गया हूँ मैं, और मैं वहाँ पे था, रुको आ रहा हूँ मैं ऊपर चढ़ के, चढ़ने में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चढ़ना काफ़ी टफ है क्योंकि चढ़ने के टाइम पैर कभी भी फिसल सकता है, और जब पैर फिसलेगा एक बार तो सीधे नीचे अगर आप रोक नहीं पाए तो। मज़ा आ रहा है, देखो मैं यहाँ से स्लाइड हुआ नीचे चला गया था। क्या कर रही हो, ये कौन सी एक्टिविटी है? बर्फ वाली एक्टिविटी। कोई एक्टिविटी का नाम है क्या? ये हमारा ग्लव्स है, बट ग्लव्स का काम उतना नहीं आया, इसको हम लोगों ने खरीदा था। कितने में लिया था हम लोगों ने? 100 रुपये में ना, 100 का है, तो हम लोगों ने दो लिया 200 रुपये का। और ये जो कपड़े हैं ये रेंट पे है, 250 रुपये एक पर पर्सन, 250 रुपये और उधर 250 रुपये, तो दोनों मिला के 500 रुपये, और इसको ख़रीदना पड़ा। और ये है अपना नज़ारा, अरे अरे जाना नहीं नीचे। भाई मेरे को क्यों मार रही हो, मेरे को क्यों मार रही हो? मैं भी मार सकता हूँ ना। हल्का हल्का धूप है, सूर्य के किरण है। हाँ अरे 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 पकड़ो पकड़ो, अरे मेरा ग्लव्स गया, मेरा ग्लव्स पकड़ो। ऐसे ही मैं स्लाइड हो गया था, ऑक्सीजन की कमी है ना बोली। ओ मेरा हैंड चला गया, एक इधर है एक उधर गिर गया। ओके ये लोग भी हैं, चले स्लाइड पे। गाइस भी हम लोग ऑटो हो गया और ऊपर घूम लिया इस एरिया में, और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। ये जो टेंट लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से स्लाइडिंग वाली जो एक्टिविटी है वहाँ पे होगी, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ है, लाइन लगाना पड़ रहा है, देख सकते हैं लोग लाइन लगे हुए हैं। अभी हम लोग भी जाएंगे, पर्ची दिखाएंगे, फिर लाइन में लगेंगे और उसके बाद स्लाइड करेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले ऊपर का जो भी है फोटो वोटो ले लेते हैं, स्लाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा इन्जॉय कर लेते हैं, उसके बाद स्लाइड करेंगे ये वाला जो ट्यूब वाला है, क्योंकि ट्यूब वाले के बाद बैठेंगे, ट्यूब पे बैठने के बाद नीचे जाएंगे, नीचे से फिर वापस ऊपर आना थोड़ा सा टफ है, गिर जाओ। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा पहले ऊपर घूम लेते हैं उसके बाद नीचे जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टेंट में और वहाँ पे ट्यूब वाली करेंगे, मामा गिर जाओ, फिर यहाँ से जाएंगे। चलें फिर, क्या बोल रही हो, चलें किधर, क्या कर रही हो? अरे हट, वाओ इसके लिए मेरे लिए थैंक यू सो मच, इतना बड़ा हार्ट तो नहीं है मेरा, है छोटा सा है मेरा हार्ट, काफी बड़ा हार्ट बना दिया। नाजनी जो है हार्ट बना रही है मेरे लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, इनका हार्ट बनाने का जो इनका अलग ही एक्टिविटी चल रहा है हार्ट बनाने का। ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ये तो हार्ट बन गया और क्या है इसमें, क्या है मेरा मेरा फर्स्ट लेटर एफ और एन। थैंक यू सो मच, मेरे लिए था, थैंक यू। ओके क्या करें, चले फिर ट्यूब पे चले। सो अभी हम लोग ये देखो यहाँ पे हमारा बन रहा है ब्रेड और ऑमलेट, मैगी ब्रेड ऑमलेट, ये बन गया क्या, बन गया पीछे बना, बोला था थोड़ा तीखा बनाने के लिए, बनाया गया तीखा हो गया कुछ, इसके अंदर वो केचप नहीं है, सॉस वगैरह नहीं है, सॉस किधर है, थोड़ा सॉस दो ना, किधर है, इधर इधर
सॉस वाला उधर चला गया भाई, थोड़ा सॉस इधर। हाँ जरा खोलो इसको डब्बे को, कहाँ डालो इस पे? ओ खोलो, ज़्यादा गिर गया क्या? नहीं ठीक है ना, कैसा है टेस्ट? तीखा है क्या? तीखा नहीं है, ठीक है अब जो है खाओ, जैसा भी है खाना ही पड़ेगा। मिर्च खा लेती खानी है तो आंटी बोल रही मिर्च खा ले, तीखा नहीं है तो ये देखो ले लो ले लो ले लो, चलो भाई मैं भी खा लेता हूँ, इधर है ये लो। तो पानी के बोतल बहुत महंगा है यहाँ पे, कितने का है पानी बोतल? कितने का है आंटी पानी की बोतल? है 30 रुपए के पानी की बोतल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, हम लोग पानी नहीं पियेंगे, हमारे जो गाड़ी है उसके अंदर है, गाड़ी में है पानी की बोतल, तो हम लोग वहीं पे जाके पियेंगे। उधर जाना है, हमारी गाड़ी उधर लगी हुई है। आओ क्या ढूंढ रही हो? अड़ी अड़ी आराम से आराम से गिरो मत, डाल दो पैसा देने दो, पकड़ो खोलना पड़ेगा इसको पूरा, पकड़ो जरा। 100 रुपये दिया है, 80 रुपये का ऑमलेट और ब्रेड। चले रखने दो, जींस के अंदर डालना पड़ रहा है, जींस नीचे जींस के पॉकेट पूरा इसको खोलना पड़ रहा है। चलो सो गाइस ये देखो, ये है स्केचिंग का इक्विपमेंट, किस तरह से होता है, इस तरह से होता है देखो। तो देखो इतना हैवी सूज होता है, देखो आइस जो है कैसा हो गया है चल चल के। कैसा अभी ठीक है, खाने के बाद कैसा लग रहा है? ठीक है ना, और सर में दर्द तो नहीं हो रहा है, चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा अभी? अभी तो हम लोग नीचे आ गए हैं, अभी ऊपर थे यहाँ पे हम लोग, इसके ऊपर थे और अभी हम लोग आ गए नीचे, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने जो जो हमारी कार है गाड़ी के पास, वहाँ पे ऊपर जाना है क्या? आराम से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना जो गाड़ी है उधर लगी हुई है, गाड़ी को पहचानना पड़ेगा कि हमारी गाड़ी कौन सी है, गाड़ी का नंबर पता है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। फ़ोन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी, कोई किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। देखना आराम से, इतनी ठंडी रहती है जो बर्फ़ की पानी होती है, बहुत ठंडी है, लगेगा नहीं कि ठंड है, बहुत टच करोगे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ की जैसा है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, ये पूरा पार्किंग एरिया है और हमारा जो गाड़ी है बहुत आगे है, हम लोग इसके ऊपर थे और वहाँ से उठ वहाँ से नीचे आ गए। और यहाँ पे छोटी वाली जो कार है वो तो है ही, इसके अलावा बस भी है, बड़ी वाली बस। तो पहाड़ पे चढ़ने के टाइम जो रोड है इतना पतला है, इतना डेंजर है, और बस भी आती है समझो। ये जो दिख रहा है आपको ये बर्फ़ का सिल्ली जैसा है और यहाँ पे ऐसा लग गया पूरा पूरा हार्ड हो गया है पत्थर जैसा। गाड़ी आगे है, बहुत आगे, हमारी गाड़ी नहीं मिल रही दोस्तों, हम अपना गाड़ी जो है ढूंढ रहे हैं, हमारा कार जो है ड्राइवर वो मिल नहीं रहा है, किधर पता नहीं किधर किधर है कार, किधर पार्क किया, अभी ढूंढना पड़ेगा, नंबर से देखना पड़ेगा। क्या करेंगे, गाड़ी नहीं मिलेगा तो काफ़ी टाइम हो गया कार नहीं मिली अभी तक,
देखते हैं मिलती है कि नहीं। इधर गया, देख रहे हो गाड़ी किस तरह से मिलेगी नहीं, ढूंढते रहो। तो चलो अभी कार ढूंढते हैं गाइस, क्योंकि अपनी जो गाड़ी है ढूंढने में उसमें टाइम लग जाएगा, नहीं तो हमारी गाड़ी किधर है पता नहीं। बहुत सारी गाड़ी लगी हुई है, मिल नहीं रहा है। देखते हैं, थोड़ा ढूंढते हैं। सो गाइस हमारी गाड़ी मिल गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी के अंदर और यहाँ से अभी निकलेंगे डायरेक्ट, यहाँ से रूम होटल ना डायरेक्ट होटल जाएंगे। दूसरा कुछ एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, और पानी पियेंगे। सो चलो आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये हमारा कैसे भी करके कोशिश की हमने ब्लॉग बनाया है, पता नहीं कैसा बना है। सो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जो बोलना है खाली बाय। अरे इधर कुछ बोल ही नहीं पा रही है, इतना थक गई है। चलो गाइस बाय।